बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। हमारी ये कोशिश थी, हम अपने गाइस से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ दुआओं में शामिल हो जाएं और इंडिया जीते इंग्लैंड से। और हमारा ये ख्वाहिश थी कि हम उन सूरमाओं को धूल चटाएं, लेकिन हमारा काम जो है वह इंग्लैंड ने कर दिखाया। तो दोस्तों 169 रन का टारगेट दिया बड़े सूरमाओं ने, लेकिन इनकी शुरू से ये कमज़ोरी चली आ रही है कि इंडियन टीम जो जब भी जीतती है तो ये बैटिंग के ज़ोर पे चलती है, बैटिंग के ज़ोर पे ही जीतती है, क्योंकि इनके पास जो फास्ट अटैक स्पिन बॉलिंग ये ब्राय नाम है। और वो आज वर्ल्ड ने देखा कि ये ऐसे गिरी, इतनी जल्दी रेत की दीवार नहीं गिरती। 169 रन का टारगेट था यार, हिम्मत करो भाई। लेकिन क्या हुआ, एक विकेट नहीं इंग्लैंड की गिरी यार। तो इंग्लैंड ने ये मैच जीता 10 विकेटों से हेलेक्स, और दूसरी तरफ उनका ओपनिंग बैट्समैन दोनों की जोड़ी जैसे ही आई, उन्होंने जनाब ऐसी धुलाई की इंडिया की कि इंडिया वाले ढूंढ रहे थे कि कौन बंदा मार खाने के लिए जाए जो इंग्लैंड से मार खाए। ऐसे ही हुआ। लेकिन दोस्तों ये खेल का एक हिस्सा है, नो प्रॉब्लम। एक तो इन लोगों ने जो सन सिफर के रखे हुए हैं, रोहित शर्मा हो गया, कोहली हो, यार भगाओ इनको भाई। T20 खेल रहे हो, टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हो। टेस्ट मैच खेलना है तो रोहित और कोहली को ले आओ, लेकिन अगर आपने वनडे खेलना है तो फिर आपको पांड्या जैसे आपको यंग प्लेयर लेके आना होगा, जिस तरीके से पाकिस्तान यासिर को लेके आ गया। यासिर कौन है जनाब, जो वन डाउन के ऊपर आता है और पाकिस्तान की तरफ से वो बुल्ड को ऐसे छक्का मारता है जैसे सवाब का काम है। क्या फील्डिंग है ये, देखे ना, ये है इंग्लैंड की फील्डिंग। और इंग्लैंड का मैच जो है पाकिस्तान से पड़ गया। और उधर पांड्या की, रोहित कोहली की जो 50 हैं वो भी काम ना आई, और इंडिया के अरमानों पे पानी फिर गया और सफ़ेद मातम बिछा हुआ, ये आप मुलाहजा कर सकते हैं। कोहली की 50 तो थी 39 बॉल के ऊपर, लेकिन कोहली तेरी 50 क्या करेगी जब कोई तेरे पास बॉलर ही नहीं है, अटैकिंग बॉलर ही नहीं है तेरे पास, तो तू क्या करेगा। ये है पांड्या, 29 गेंदों पे 52 रन, नॉट आउट करने वाला पांड्या। लेकिन यार पांड्या ने ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस तो दी, लेकिन आपके पास अटैकिंग बॉलर तो नहीं है। जब वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो ये है वो जोड़ी, हेलेक्स और बुटलर, नाकाबले शिकस्त एंड तक दोनों बंदे। जवाब नहीं है इन लोगों का, लेकिन इन लोगों का हमारे साथ मैच होने जा रहा है। तो गाइस हमारे लिए, हमारे जो 22 करोड़ आवाम हैं, ये दुआ करेंगे और हम सारे जब दुआओं में शामिल हो जाएंगे तो वर्ल्ड चैंपियन बनेगी पाकिस्तान की टीम। और जब अल्लाह का कर्म होता है तो पहले दो मैच हारने के बावजूद पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंचता है। और ये जो आज उन्होंने सूरमाओं को धूल चटा दी, हम इनको धूल चटाएंगे इंशाल्लाह।